हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। कैसे हो आप सब? ठीक ठाक? आपका अपना दोस्त आर्य चौरसिया से एक नए वीडियो के साथ। और आज के इस वीडियो में एक ये बॉडी वेटिंग मशीन है, ये कुछ खराब हो गया है। देखिए इसको, पर वजन देने के बाद भी ये काम नहीं कर रहा। देखिए इतना वजन है, इसको रखते हैं लेकिन इसमें कुछ भी नहीं काम कर रहा है। चलिए देखते हैं, इसके लिए इसे खोलना होगा। इसे खोलने के लिए इसको कर लेंगे पलटी, और यहाँ पे आपको दो स्प्रिंग दिखेगा, बस यही इसका पेच लॉक जो भी है यही है, और इसमें कुछ होता नहीं है। पेच अगर आप ढूंढेंगे तो पेच आपको मिलेगा नहीं, इसी को खींचना होगा तो ये निकलेगा, और वापस इसी को फंसाना होगा। खोलते हैं इसको, तो इसमें पेचकस को फंसाकर और इस तरह से छोड़ देना है तो ये अंदर चला जाएगा। और इसी तरह से इसको भी अब ये खुल चुका है, ये देखिए। और इसका ये जो पॉइंट है ये निकला हुआ है बाहर, इसलिए ये काम नहीं करता है। तो फ्रेंड्स इसका और मैकेनिज्म दिखाते हैं और इसको निकालेंगे। आपको बहुत सावधानी से निकालना होगा, नहीं तो ये टेढ़ा हो सकता है। तो ये निकल गया, और यही इसका टोटल मशीन है। ना इसमें बैटरी इलेक्ट्रिक कुछ भी नहीं चाहिए, बस ये जितना इस पे जितना प्रेशर पड़ेगा ये आगे तरफ जाएगा, और ये जो नंबर लिखा है ये नंबर इस तरह से आगे बढ़ते जाएगा, और लास्ट इसका 140 यानी एक क्विंटल 40 केजी तक इसमें आप वेटिंग कर सकते हैं। और इसका सबसे मेन जो भी मशीन कहिए यही है, जितना ये दबेगा उतना ये डाउन होगा, और उतना डाउन होगा ये आगे जाएगा, और ये नंबर आगे जाएगा। इसका इसमें कुछ खराब होता नहीं है, अगर ये कुछ टूट टूट गया तो वो खराब होगा, या फिर इसका फिटिंग कुछ अप डाउन हो जाता है जिसके कारण ही प्रॉब्लम होता है। तो इसको सही से फिटिंग कर लेना है, ये देख लीजिए इस तरह से आपको सब रखना है फिट करके। इसके बाद अब यहाँ पे एक चीज हम देख रहे हैं कि यहाँ पे एक स्प्रिंग होता है जो इसमें नहीं है, शायद टूटकर गलकर गिर गया है, और जिसके कारण ये जहां पे रुकता था वहीं पे रुका रहता था, क्योंकि स्प्रिंग जब इसे खींचता है तो ये इसका काम है खींचना, स्प्रिंग को खींच के रखना, तो ये जीरो पे रहेगा। तो इसमें हम स्प्रिंग लगा लेंगे, और ये पेन में जो होता है स्प्रिंग, वो वाला स्प्रिंग है, देखते हैं लगाकर। वैसे ये पहली बार ही हम बना रहे हैं, हम इसका कोई मास्टर नहीं है, फर्स्ट टाइम बना रहे हैं ये मशीन को, तो कुछ कॉमन सेंस तो होना ही चाहिए कोई भी आप काम कर रहे हैं। तो इसको यहाँ पे लगा लेते हैं इस तरह से, तो अब लगता है कि ये जीरो पर खींच के रखेगा। देखिए हो जाता है कभी कभी ऐसा, इसको अब स्प्रिंग लगाने के बाद अब देखिए इसको लगाते हैं, और जीरो हमारा रहेगा सामने ऐसे, यहां पे
देखिए ऐसे रहेगा। तो इसको फिटिंग करने के बाद आप जीरो अगर इधर उधर हो जाए तो यहां से आप उसको एडजस्ट भी कर सकते हैं। ये देखिए यहाँ पे जो ये बटन दिख रहा है काला सा, यहां से देखिए यहां जब घिसकाएंगे तो ऊपर घूमेगा, नंबर लिखा हुआ चक्री घूम रहा है, ये एडजस्ट करने के लिए है। और स्प्रिंग लगने के बाद देखिए इस पे जब दबाव पड़ेगा, यानी कि जब ये ऊपर रखा जाएगा तो इस पे दबाव पड़ता है तो इस तरह से ये घूमता है। चलिए अब इसको फिट कर लेते हैं।